देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस वनीला आइसक्रीम, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये टोटली फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हमने एक कप दूध ले लिया है और एक कप व्हिपिंग क्रीम है। तो अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। और आधा कप कंडेंस मिल्क लिया है हमने और एक चौथाई कप मिल्क पाउडर लिया है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ले लेंगे, आधा कप शुगर पाउडर ले लेंगे। अगर क्रीम में शक्कर है तो आप शक्कर ना डालें, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है तो उतनी ही शक्कर चाहिए रहती है। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें हमने डाल दिया है दूध और इसमें हम डाल देंगे शक्कर। और इसको चलाते हुए गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है, इसको मिलाएंगे और मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको चलाते हुए मिला लेंगे। और इसके बाद डालेंगे कंडेंस मिल्क को थोड़ा सा गरम करेंगे। तो मिक्सचर हमारा काफ़ी थिक हो गया है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने डाल लिया है आइस। और एक और बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे क्रीम और इसको हम करेंगे व्हिप। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है और हम हमारी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो इस तरह से चला के इसको लगातार चलाते हुए हमें व्हिप करना है। तो क्रीम को हमने व्हिप कर लिया है और ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है। तो एक मेथड ये वाला है और दूसरा मेथड है कि आप हैंड ब्लेंडर से क्रीम व्हिप्ड कीजिए, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर दी गई है। तो आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाएं एट होम, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस और इसको मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा मिक्सचर था जो ठंडा हो गया है, अब हम इसमें वो डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और हम इसको भर देंगे कंटेनर में। तो एक कंटेनर में हमने इसको भर लिया है और इसको बंद कर देंगे और इसको रख देंगे हम 8-10 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। इसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो 8-10 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम भी हमारी सेट हो गई है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम हमारी जमी है। तो इसको निकालते हैं फिर। एकदम क्रीमी आइसक्रीम बिल्कुल। ये देखिए, तो ये देखिए आइसक्रीम कितनी नाइसली और निकल गई है। तो एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी है और खाने में भी इतनी टेस्टी है बहुत ज़्यादा।
तो देखिए आइसक्रीम हमारी कितनी अच्छी बनी है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको हम गार्निश करेंगे चॉकलेट सॉस से, चॉकलेट सिरप डालेंगे इसके ऊपर। अब जैसे चाहें उसको गार्निश कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको गार्निश कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इसमें कर सकते हैं। तो आइसक्रीम हमारी परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनी है, बिल्कुल क्रीमी इसका टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरे में से, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। देखिए खाने में बिल्कुल यम्मी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इस गर्मी में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए और हमेशा आप इसको बनाएंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।